ये फूल है ना भाई, ये रात को खिलते हैं, अब थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जैसे बंद हो रखा ना ये ऐसे बंद हो जाएंगे। हाँ पत्ते तो ज़्यादा अमरूद हैं इस पे, पत्ते तो ज़्यादा अमरूद हैं इस पे। इसका बनाने के प्रॉम्प्ट है बतवे के, कल बना दिए ये सारे जो पौधे फूल है ना, ये सब बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में, जैसे बंद हो गया ना ये ऐसे। अरे ये भी रात को खिलते हैं ये वाले पौधे भी, फूल मतलब पकी अच्छी है। इस टीटले से पिड्डे पे माँ आ मारे देख रही, पापा ने जांग दिए क्या? पापा ने जांग दे दी क्या? पापा ने इस पे आम मारे थे इस पिड्डे पे भी। ये रे भाई बाकी फूल ही फूल हैं। अरे गोभी का फूल ही हो रहा ना भाई, धुलने के बाद ऐसी चमक जाती है जैसे नई दुल्हन। और ये रहा हमारा, देख लो भाई ये, इसका ध्यान रखो, इसको जाके सब्सक्राइब कर दो सुबह सुबह। एस्केप विद एच एस आर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का सफर फिर से शुरू, ये बन जाता है। हाँ भाई, पिछले पूरे हफ्ते अच्छे अच्छे व्लॉग डाले हैं, इतना नहीं कर सकते, जाके सब्सक्राइब कर दो। जब से जब अब ये लद्दाख वाला जो ट्रिप है ना, खारदूंगा लद्दाख डोबरा वैली, ये सब जो एक सर्किट पूरा कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए हम चाहिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब वहाँ पे जाने से पहले कम से कम 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं यार। अब और क्या, आप लोगों से मतलब यही मांग सकता हूँ प्यार प्रेम में, ताकि आपको कोशिश करें अच्छे अच्छा कंटेंट भी देते रहें हम। यूँ कट रहे भाई, क्या लोग हेलमेट क्यों लगाते हैं पता नहीं, लोग हेलमेट नहीं लगाते यार। स्पेशली मैं देखता हूँ लड़के तो खैर हैं ही, पर लड़कियाँ भी हेलमेट नहीं लगाती हैं। पता है इस लोग सोचते हैं यहीं तक तो जाना है, 1 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन 1 किलोमीटर में भी अगर हल्की सी कुछ दुर्घटना हो जाए तो चोट बहुत गंभीर लग जाती है, क्योंकि सर पे हेलमेट नहीं होता। और हेलमेट लगाने से होता कुछ नहीं है, सुबह से भांग तोड़ रहा है, हेलमेट लगाने से होता कुछ नहीं है, सिर्फ सेफ्टी मिलती है। बाल तो दोबारा आ जाएंगे भाई, ख़राब हो जाएंगे तो धुल जाएंगे, शैम्पू हो सकते हैं है ना, उनको बनवा सकते हो आप दोबारा ढंग से, लेकिन सर फूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? भाई सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है भाई फैशन से। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है भाई, जो ट्रैफिक नियमों का पालन किया, सुरक्षा आपकी अपनी वो बनी रहे, क्योंकि आपकी आपकी अहमियत आपके परिवार से पूछो, वो बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। ज्ञान एक ख़त्म होता है भाई, पूरे हफ्ते आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्यारे दोस्तों ने सब्सक्राइब भी किया उसके लिए उनका डबल धन्यवाद। कंटेंट तो आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, हफ्ता भर और मुश्किल से अपनी खरीदारी वगैरह चलेगी। अब कुछ हो गई है कुछ होनी है, लेकिन ये चलता रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ही रहने वाला है। अभी इन बिल्डिंगों में लोग रहते कैसे पता नहीं भाई, बहुत छोटे छोटे मतलब आदमी के ऊपर आदमी रह रहा है, मतलब इंसान के ऊपर इंसान रह रहा है, पता नहीं क्या होगा। जेलों में रहते हैं भाई, घर तो नहीं बोलता इनको मैं, जेल बोलो, जेलों में ही रहते हैं भाई, बिल्कुल जेल ही है, निकल के कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब निकलो घर के बाहर जगह नहीं निकलने की भाई, कहाँ से तो निकलेगा आदमी। ऐसे ही हुए हैं अभी भैया वहीं पे, जहाँ पे आपसे पिछले अंक में वार्तालाप करी थी वहीं पे, बड़े नहीं हैं आगे, जगह ही नहीं है आगे जाने के लिए, क्या करें, यही काम करना शुरू कर दें। नहीं है किसी को, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग, ये बाइक है भाई, टेम्पो नहीं है। देख रहे हो कितना सामान भरा हुआ भाई बंदे ने यार, मतलब बंदा नहीं दिख रहा है, हेलमेट दिख रहा है बस, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है हेलमेट, हल्का सा हेलमेट दिख रहा है बस,
नाम मात्र का। और भाई बोले दुकान ही चला रहा है, बोले बाइक पे ही दुकान चला रहा है भाई पूरी। ओ तेरी तो कहीं जाम में खड़ा जाते तो भाई कुछ पीछे तोड़ के चले जाता उसका तो सामान। नहीं लाद रखा है बिल्कुल ही गजब तरीके से, भयंकर तरीके से लाद रखा है मेरा सामान। और ये बांध नहीं रखा पता है सामान कहीं भी बांध नहीं रखा। अच्छा मतलब सिर्फ ऐसे ही एक के ऊपर एक सामान रखा हुआ है, नीचे एक टोकरी टाइप की रखी हुई जिसके अंदर सारा सामान भरा हुआ है इसने। और भाई इम्पोर्टेंट खबर, गर्मी ने तहलका मचा रखा है थाईलैंड में भाई। एक हफ्ता पहले 38 डिग्री था और आज वहाँ पे 54 डिग्री टेम्परेचर है। तो समझ लो मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है ना उसका साइड इफेक्ट देख रहे हो। तो भाई पेड़ लगाओ जितना हो सकता है अपने घर के आसपास, अपने गाँव में, खेत में, जहाँ पे आप लगा सकते हो, जहाँ पे आपकी जगह है, कॉलोनी में, आपके सोसाइटी में, जहाँ पे भी कुछ हो सकता है ना भाई पेड़ जरूर लगाओ यार। उसके बिना नहीं तो समझ लो जीवन दुर्भर हो जाएगा। हम सिर्फ काटे जा रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा। घर में कुर्सी चाहिए लकड़ी की, बेड चाहिए लकड़ी का, मतलब सामान की जरूरत है ठीक है, लेकिन कम से कम पेड़ जरूर लगाओ यार। मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बच्चों के लिए भी, और हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी। चलो भाई आज का जिम हो गया पूरा, अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और निकलते हैं घर की तरफ। गाड़ी में बैठ के भग लेते हैं अपने घर की तरफ भाई। ज़्यादा टाइमबाजी चाहिए नहीं, 2 घंटे कर लिए बहुत हैं, इतना सूख के कहाँ जाऊँगा। बैठते हैं भाई। एक भाई जिस दिन जिम कर लेते हैं उसे आता मजा ही है यार, दिल को सुकून मिल जाता है, बिल्कुल दिल को सुकून मिल जाता है, सुकून। तू पहले बोल ले, इसमें भी बोलती है लेकिन फर्क कितना कि इसमें रेडियो बोलता है भाई, उसमें चचा जान बोलते हैं। कृपया सीट बेल्ट पहन लो नहीं तो चलान कट जाएगा, चचा खुद पहनते नहीं हमें पहनाते रहते हैं। ओह हो इसी ने चलाएंगे अभी नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा चलान कट रहे हैं अभी। ओ भाई साहब अच्छा किया मैंने देख लिया भाई, देखो चलान कहाँ कटता है, मैं तो अभी चलान कटवा लेता। सामने पुलिस वाले दिख रहे हैं भाई, एक्चुअली मैं भी क्या करता हूँ यहाँ से ना, यहाँ से इस तरफ जाने के बाद ये रॉन्ग साइड ले लेता हूँ यहाँ से, और उस कट से मैं रॉन्ग साइड घुस के फिर सीधे इस तरफ चले जाता हूँ। अब वो दिख रहे हो पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, रो पुलिस वाले भाई कोई रॉन्ग साइड है तो चिपट जाए। तो काटा जा रहा है चलान, अच्छा मैंने देख लिया ये जाते। अब नहीं अब तो भाई अपने निकल रहे हैं यहाँ से, अब तो अपने आँखें होगी ना, अब तो हमारे कहते ना अब तो आँखें हो गई, अब कहेंगे चलान कटवाएंगे, अब क्यों कटवाएंगे चलान, अब तो आँखें हो गई हमें। देख रहे हो भाई रात के टाइम पे ना जिम करके घर जाने का मतलब होता है कि पूरा थकावट, पूरा थक जाता है आदमी तब जाके घर जाता है भाई, और मज़ा भी तभी आता है। जब तक शरीर निचुड़े नहीं तब तक क्या फायदा। ये हम आ गए भाई घर, और घर आ गए हो गए भाई बच्चों के साथ बदमाशी। पापा का बेटा है, किसका बेटा है तू, किसका बेटा है? अच्छा शिवांश कैसा है, शिवांश कैसा है, रुद्रांश शिवांश कैसा है, हैं? शिवांश अच्छा है, बदमाश दोनों बदमाश बच्चे हैं।
अब मेरी अगला एक घंटा ऐसे रहेगा बच्चों के साथ, उधम पे उधम करने पर ये व्लॉग यहीं ख़त्म। ठीक है, बाय बाय कर देते हैं, रुद्राज ने बाय बाय कर दी है। अब जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। उसके बाद अपना जितना भी दोस्त हैं आपके जानने वाले सबको ये जो वीडियो है शेयर कर दो, है ना भाई, तभी मजा आएगा, है ना। ऐसा ही वीडियो को पूरा देखो और कमेंट में जाके लिख देना शिवांशु भी, अरेंद्र भी, रुद्रांशु भी, तीनों का ओपी लिख देना। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। अब तो बाय कर दो भाई, बहुत हो गया।